मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है और देखने में भी सुंदर है। आप इसको बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, लेडी स्वेटर या किसी जॉकेट में डाल सकते हैं। ये सब में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो लीजिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने तीन तीन के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो डिज़ाइन सेट आएगा। तो इसके लिए मैंने कुल 17 फंदे लिए हैं। तो हम ये एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डाल लेते हैं और उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये पहली सिलाई सारी ही सीधी बुन लेनी है। और इसके बाद ये एक रो उल्टी बुन लेनी है। फंदे डालने के बाद हमने ये एक सीधी और एक उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। ये सीधी साइड है। अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा है जो आप ऐसे स्किप भी कर सकते हैं, बुन भी सकते हैं। मैं इसे बुन लूँगी। जो तीन फंदे हैं इसके बाद यहाँ से सिलाई डालकर एक लूप निकाल लेंगे और साथ का फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। और नेक्स्ट जो ये दो फंदे हैं इसका दो का एक बना लेंगे और हमारे ये तीन के तीन फंदे रह गए। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट फंदों का भी करेंगे। यहाँ से सिलाई डालकर लूप निकाल लेंगे, ये साथ वाला फंदा बुन लेंगे और ये नेक्स्ट है जो दो फंदों का एक बनाते हुए ये बुन लेंगे। अब फिर तीन फंदों से हम ऐसे सिलाई निकाल लेंगे, साथ वाला फंदा भी बुन लेंगे और ये दो का एक बना लेंगे। तो ऐसे ही हम ये जो सिलाई है कंप्लीट कर लेंगे। बैक से दो का एक बना लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा है जो ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में और सेकंड रो में। ये जो रॉन्ग साइड है ये पूरी की पूरी उल्टी बुन लेंगे।
ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही ध्यान से बुननी है। लूप वाला फंदा है जो दो फंदों के बाद में बुनना है। तो ये हमारी सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे ये कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। ये डिज़ाइन की थर्ड रो है। ये सिलाई भी ऐसे ही हम डाल लेंगे, पूरी की पूरी सिलाई सीधी डाल लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कितना आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने पहले डिज़ाइन के बाद भी उल्टी सिलाई डाली थी, अब सीधी सिलाई डालने के बाद ये एक और उल्टी सिलाई डालेंगे। ये हमारी जो उल्टी सिलाई है कंप्लीट हो गई है। अब दोबारा फिर ऐसे ही हम इस रो में डिज़ाइन डालेंगे। ये तीन फंदों के बाद फिर ऐसे लूप निकाल लेंगे, सात वाला फंदा बुन लेंगे, दो का एक फंदा बना लेंगे, फिर ऐसे ही तीन फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, सात वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो ये सिलाई भी हम ऐसे ही डिज़ाइन डालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तीन फंदों से ये लूप निकाला, सात वाला फंदा बुना, दो का एक बनाया, फिर तीन फंदों के बाद ऐसे लूप निकाला, सात वाला फंदा बुना और दो का एक बनाया, ऐसे लास्ट वाला फंदा है जो सीधा ही बुन लेंगे। तो नेक्स्ट सिलाई हम ऐसे सारी उल्टी ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो लूप वाला फंदा है ये लास्ट में ही बुनना है। ये सारी सिलाई उल्टी ही बुननी है। तो ऐसे ही हम डिज़ाइन के बाद एक उल्टी सीधी सिलाई डालकर फिर डिज़ाइन डालेंगे तो हमारा डिज़ाइन ऐसे ही बनता चला जाएगा। देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के आएगा। तो बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो देखिए ये कितना इजी है और कितना सुंदर लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।